एंटालाइज, लो गोल्ड कांट एंटालाइज। अब लाजिम बात है जी, गोल्ड लाखों पे पहुंच गया है तो अब कौन कौन वो करेगा। तो इसके लिए खैर ये उस वक्त हो गए थे जब गोल्ड सस्ता था, लेकिन अब उस वक्त भी ये पहुंच में नहीं था, लेकिन अब जो है कुछ ज्यादा ही महंगा है। सो वी आर यूजिंग लो गोल्ड कंटेंट अलाइज। सो मेन आपकी क्लिनिक में कभी कोई बंद आया है कि मुझे गोल्ड का दांत लगवाओ या कुछ? पहले आते होते थे, पहले आते होते थे, खासतौर पे अफगानी जो थे वो लगवाते थे। अब मिल गई होगी। और आपको एक बात बताऊं, आप ये गोल्ड अगर पढ़ लें ना सही तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि टोटल, अभी हम बाद में वो दूसरे पढ़ेंगे ना, और ये भी अभी पढ़ने जा रहे हैं, कि इनमें प्रॉब्लम ज्यादा है। ओरिजिनली गोल्ड के जो है दांत, ये ज्यादा सेहत के लिए अच्छे हैं। आयशा तिलावत इससे पहले नहीं थी? थी सर, यही पर थी। अच्छा चले, तो गोल्ड जो है ये सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन जितने स्टैंडर्ड्स हैं हमारे गोल्ड के ऊपर बने हुए हैं। और जो हमारी पोर्सलीन है उसकी जितनी भी बॉन्डिंग वगैरह है ये गोल्ड के ऊपर ही ज्यादा है, सबसे बेहतरीन है। तो लेकिन चूंकि गोल्ड के ऊपर अब हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैंने खुद बनवाया अपनी मिसेस के लिए गोल्ड क्राउन। उस आलम ने उस वक्त, जिस वक्त तकरीबन समझे को 1500 रुपए का तोला था, तो उसने मुझसे 6500 रुपया लिया और मेरा वाकफ भी था, और उसने जो मुझे दिया वो जो था वो गोल्ड टाइप की कोई चीज ही नहीं था। वो कोई मेरे ख्याल से उसको हम 10% भी नहीं उसमें गोल्ड पैसे, और वो कहता जी मैं जद्दी पुश्ती ये काम कर रहा हूँ, बस दुनिया है। गोल्ड वैसे सबसे बेहतरीन चीज है। अरे खुला रहे, हम अजान के लिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सर कितनी स्लाइड्स रहती है? बेटा मैंने भी नहीं देखी, बस थोड़ी सी रहती है बस। अब तो बस ये लो गोल्ड कंटेंट अलाइज बस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उसके बाद वही है सोल्डरिंग ब्रेजिंग है, और बस ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रहते है ना सर। क्या है ये स्लाइड सर? स्क्रीन पे देख ले सर। स्क्रीन पे मैं तो देख रहा हूँ, आप मुझे बताओ किधर है सर। तकरीबन 15-20 तो है ना। नहीं यार, 15-20 तो पहले आपने बताई थी मुझे, क्या हुआ आपको? नहीं यहाँ पे ज्यादा सर। हाँ 12-10 तक होगी। नहीं यार इतनी नहीं है सर। यहाँ तो बस बुक में सिर्फ 3-4 टॉपिक्स रहते हैं, तो बस वही है ना, और क्या है इसमें? मेरे हिसाब में हम ये सिल्वर पैलेडियम अलाइज आ गए हैं, थोड़े हैं, थोड़े हैं, थोड़े हैं, फिक्र ना करो, घबराओ नहीं, अभी देखते हैं कितने हैं। घबराना नहीं है सर, ना होने के बराबर सर। ये तो आपने इमरान खान की बात कर दी। बहुत ज्यादा है सर, बहुत। नहीं नहीं सर, ये मैं अभी बताता हूँ जी, हम ये हैं ना इसमें हैं, क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, हम मैं अभी बता रहा हूँ। ये है गोल्ड कंटेंट, लो गोल्ड कंटेंट वाला है ना, ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 17, और मैंने आपको कह दिया ना कि 15-20 के दरमियान है ना, 17 बस। लेकिन ये तो बड़ी जल्दी जल्दी खत्म होने वाली है ना, इसमें तो कोई इतना वो नहीं है। सर सर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको इसलिए ज्यादा बात नहीं है, हम तो पहली बात देख रहे हैं ना। तो बेटा मैं आपके सर, ये याद भी करने की बात है। मैं आपके सर, स्लाइड तो बहुत कम है सर। वही ना, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने। हाँ जी सर, स्टार्ट करें बस, खत्म करें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे। सारी दुनिया देखेगी कि ये पढ़ता नहीं है, और स्टार्ट करें बस, खत्म करें जी, ये सर से होता है। अच्छा ज्यादा हो जाएगा। नाउ लो गोल्ड कंटेंट अलाइज, फर्स्ट फैक्टर इज द कॉस्ट,
which turns the focus toward low gold alloys. Some alloys has 10% gold, but usually 45 to 50% gold is used with palladium. And palladium gives a whitish appearance. So as the use of these alloys increase, so ISO also turns to develop standards for these. So they include that at least 25% noble metal content should be there in low gold content alloys and not more than 75%. Again, there are four types. All four types are equal to the conventional gold alloys. Requirements for both groups, conventional and low of low, are identical. Casting techniques and equipments used for low gold alloys are same. Acceptable properties, good clinical performance, and lower cost compared to conventional gold alloys is their advantage. वही चीज जो पहले हमने देखी थी स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर भी वही है, वही सब कुछ प्रूफ स्ट्रेंथ इसकी उनके बराबर है. ठीक है जी. नाउ सिल्वर पैलेडियम अलॉयज. सिल्वर पैलेडियम अलॉय एज देयर नेम इंडिकेट दैट देयर विल बी नो गोल्ड. Silver and palladium, and about 20% with small quantities of copper, zinc, and indium in addition to gold. If someone want to add gold, which may be present in small quantities. Now, density. Gold alloys has more density and silver palladium have low density. So if the density is less, it have an effect on castability. Why? Because the lower force generated by the molten alloy, ये ज़हन में थोड़ा सा रखें कि by the molten alloy हम नहीं कर रहे, molten alloy की अपनी जो thrust है, अपनी force जो है वो generate जो हो रही है वो low है. So we have to use more thrust. तो हम अगर देंगे तो हमें ज्यादा thrust देनी पड़ेगी, ज्यादा force use करनी पड़ेगी silver palladium alloys में. Now, porosity, as silver palladium alloys are having low thrust, so stability, sir. Stability, sir. हाँ, castability तो वही है ना. तो porosity जो होगी उसके अंदर क्या होगा, अगर composition के अंदर हमारी variations होंगी तो कास्टेबिलिटी भी हमारी अफेक्ट होगी. ठीक है जी. तो अगर तो गोल्ड होगा तो फिर तो हमारी फेवरेबल होंगी, अगर गोल्ड नहीं होगा तो फिर मसाइल पड़ेंगे. तो कास्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और मोल टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हम अटेंशन देंगे, क्योंकि अगर ये फिल पूरा नहीं हुआ तो हमारे लिए कास्टिंग के डिफेक्ट आएंगे. तो palladium have a tendency to oxidize by oxygen in molten state, so it causes a porous casting. So we have to take precautionary measures while casting the metals which are containing palladium. Ductility, as these are also
ductile materials. So care must be taken not to overheat the material and to prevent the oxidation of the metal during casting. Now the properties of silver palladium, as the palladium having the more strength, so these are equivalent to the type 3 gold alloys. And noble metal content already described, 25% ya usse zyada hona chahiye. Now 15% ductility is obvious when gold alloys are used. So silver palladium alloys have much lower ductility. Now other properties, corrosion resistance is not as good because of the composition. Corrosion during service is negligible due to the palladium content. और बाकी सारी वही चीजें हैं, low cast है और casting जो है इसकी आपने great care के साथ आपने